लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों पैरों को पास लेके आओ और नेक ब्रीथ इन, नेक पूरा पीछे, ब्रीथ आउट पूरा आगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, जिसको सर्वाइकल है सेंटर तक, पूरा नीचे ड्रॉप नहीं करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, सांसों के साथ चलते रहो, नेक पूरा पीछे, हर बार नेक पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए. करते रहो करते रहो, ब्रीथ के साथ चलना है, हाथ बिल्कुल सीधे, दोनों फिंगर इंटरलॉक, दोनों अंगूठों को चिन पे लगाओ और नेक पूरा पीछे, नेक पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, पीछे करिए, होल्ड 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से वापिस नेक को, धीरे से वापिस पूरे फोकस ब्रीथ पे, दोनों हाथों को शोल्डर, खड़े होके इस तरीके से रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, राइट वाला हाथ सीधा, लेफ्ट वाले से नेक को स्ट्रेच, फेस सीधा रहना चाहिए, जो आपका कान है शोल्डर पे टच हो, होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, फिर बॉडी सीधी, शोल्डर बिल्कुल सीधे, बस खाली नेक, 5, 4, 3, 2, 1. साइड चेंज, अपोजिट साइड, साइड चेंज, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स, पूरा फोकस ब्रीथ पे, एक बार और रिपीट, साइड चेंज, राइट वाला हाथ बिल्कुल सीधा, नेक्स्ट इज शोल्डर पूरा स्ट्रेच, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. साइड चेंज, नेक पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, 10 साइड चेंज, लेफ्ट वाला, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों पैरों में गैप, रिलैक्स, दोनों पैरों में गैप, जितना आपका योगा मैट है दोनों हाथों को कमर पे रखो, ब्रीथ पे पूरा फोकस, सांसों के साथ चलना है, ब्रीथ इन करते हुए पीछे, ब्रीथ आउट करते हुए आगे, जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर पाओ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सांसों के साथ चलते रहो करते रहो, नेक ऊपर करते, करते रहो, जब पीछे जाओ लोअर बैक में स्ट्रेच आना चाहिए, जब आगे आओ पूरे बैक में, पैर में घुटने बैंड नहीं होंगे, और लोअर बैक से करते रहो, फोकस ब्रीथ पे, लोअर बैक से बैंड,
ब्रीथ आउट करके रिलैक्स, ब्रीथ आउट और रिलैक्स, हाँ ब्रीथ आउट करके फिर रुकना है। अंगूठे को इस तरीके से अंदर करके मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ से ये एंकल को ग्रिप करना है, ठीक है, बिल्कुल बीच में ये जो जॉइंट है इसको ग्रिप करना है और यहाँ रखना है जहां से बैक स्टार्ट होती है, और शोल्डर पीछे की तरफ जितना खींच सकते हो, ठीक है, अभी करना है। कैसे? पीछे की शोल्डर पीछे की तरफ खींचे रहेंगे जितना हो सकता है, और हाथों को बिल्कुल लोअर बैक पे रखना, ठीक है, और ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जब पीछे जाओगे तो हाथ आपकी बैक को सपोर्ट देंगे। इस तरीके से जॉइंट को पकड़ना है, यहां पे ये ग्रिप करो और इस हाथ को ये पीछे रखो ऐसे, ठीक है, हाथ पीछे ही रहेंगे चाहे आगे आओ या पीछे आओ, हाथ पीछे ही। दोनों पैरों में गैप रहेगा, स्ट्रेच, शोल्डर एल्बो पीछे की तरफ करो जितना कर सकते हो सारे। लास्ट 10 सेकेंड, अच्छे से स्ट्रेच, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। सामने आओ, दोनों पैरों को लाओ बिल्कुल पास, शोल्डर बिल्कुल सीधे पीछे की तरफ, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बंद, ठीक है, 20 टाइम क्लॉकवाइज, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, हाथों को सीधा रख के बैंड बंद करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, हाथ को पूरा खोल के ये 20 टाइम क्लॉकवाइज, फिर 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, पूरा सर्कल करो, ब्रीथ नॉर्मल चलेगी, हाँ पूरा हाथ खोल के ये 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, फिर कंप्लीट। और जिसका हो जाए धीरे धीरे वॉक, रुकना नहीं है, खड़े नहीं रहना। दोनों हाथों जिसका हो जाए, देखो दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पे रखना है और क्लॉकवाइज घुटनों को मूव करना है पूरा सर्कल 10 टाइम, धीरे 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 फील करते हुए, आप मसल्स को फील करोगे, नसों को फील कर पाओगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे, एक एक नस आपको फील होगी धीरे धीरे, जैसे नेक मूव करते हो वैसे ही घुटनों को पूरा रोटेट। चलो दोनों हाथों को रखो ऐसे घुटनों पे और पूरा सर्कल, और जिसका हो जाए धीरे धीरे वॉक 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे वॉक करो इसके बाद और मुझे देखना। दोनों पैरों में गैप रहेगा, ठीक है, सबसे पहले राइट वाला पैर बाहर की तरफ, बॉडी राइट तरफ मूव करनी है और बेंड, ठीक है, इस तरीके से हाथ नीचे रखना है और होल्ड 10 ब्रीथ होल्ड, धीरे से वापस जैसे आए थे, साइड चेंज, अपोजिट साइड वाले पैर को बाहर डाउन, और अभी लेफ्ट वाला हाथ नीचे राइट वाला ऊपर और होल्ड, ठीक है, धीरे से वापस। एल्बो भी नीचे लगानी? नहीं, एल्बो नीचे नहीं लगानी, बस खाली हाथ को रखना है। कैसे? देखो एक बार सारे, राइट वाला जैसे ये किया, ठीक है, बैंड किया, बॉडी को मूव किया, हाथ को नीचे रखा ये, ठीक है, एल्बो नहीं लगी, हाथ बिल्कुल सीधा है,
और दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा। एल्बो बेंड भी नहीं करनी है, एल्बो नीचे टच भी नहीं करनी है, हथेली को नीचे रखना है। चलो दोनों पैरों में गैप, बॉडी को राइट साइड मूव करो, राइट वाले हाथ को नीचे लगाओ और ऊपर वाले हाथ को देखो, होल्ड। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, होल्ड। 10 9 8 हाथ सीधा करो, जो ऊपर है हाथ सीधा बिल्कुल, शोल्डर लेवल पे सीधा करो। कंचन मैम ऊपर वाले हाथ को सीधा करो, बैलेंस बनाओ। लास्ट 5 सेकेंड कोई वापस नहीं आएगा। 5 4 3 2 1 धीरे से वापस, जैसे गए थे सेंटर में आओ। हाँ पैर को वापस लाओ, अभी लेफ्ट वाले पैर का पंजा बाहर। पैरों में गैप जितना बढ़ाओगे उतना अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा लेकिन बहुत अच्छा आसन है। और फिर डाउन, होल्ड। अपोजिट साइड, होल्ड। 10 9 पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, नीचे डाउन करो। 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे से वापस। पैरों में गैप रहेगा, गैप मत छोड़ना, ठीक है? पैरों में गैप जितना था उतना ही रखो, सेंटर में आ जाओ, घुटने बिल्कुल सीधे, थाई को टाइट करके रखना, हाथों को ऊपर सीधा और होल्ड। बैक बिल्कुल सीधी, फेस ऊपर रखना है, एल्बो को यहाँ कांध पे लगा के रखना आर्म्स को, और होल्ड बस खाली 10 ब्रीथ तक, ठीक है? आ जाओ होल्ड, आ जाओ घुटने सीधे बिल्कुल, थाई को टाइट, स्ट्रेच, हाथों को पास लाओ, हाथों को पास लाओ, हाथों को पास लाओ। हाँ 10 आओ सीमा मैम नीचे आओ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे से वापस। हाँ अभी बस क्या करेंगे, एक बार देखो, हाथों को रिलैक्स करो, पैरों को चाहे रिलैक्स कर लो 2 सेकंड के लिए। दोनों पैरों में गैप, ठीक है? दोनों पैरों को सीधा ही रखेंगे, बैंड नहीं करना है, नी बैंड नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है? हाथों को बिल्कुल सीधा और राइट वाला पैर बाहर की तरफ, घुटना सीधा ही रहेगा और हाथ ये डाउन, ठीक है? बॉडी को डाउन करना है, पहले को साइड से आके बता देंगे, ये राइट वाला पैर बाहर और बॉडी को राइट साइड मूव, हाथ ऊपर और डाउन, होल्ड। 10 ब्रीथ और फिर दोनों हाथ कमर पे, वापस साइड चेंज, ठीक है? आ जाओ राइट वाले पैर को बाहर करो, बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करो, हाथों को ऊपर, घुटना सीधा, घुटना सीधा, घुटने पे खास ध्यान, स्ट्रेच तभी आ पाएगा बिना घुटने को बैंड, घुटने को बैंड नहीं करना है बिल्कुल भी। आ जाओ जितना भी आ पा रहे हो, कम आ पा रहे हो कोई बात नहीं। टेन घुटना सीधा, अपने अपने घुटनों को सही से करेक्ट करो खुद से। 9 चाहे नीचे कम आ पाओ लेकिन घुटना सीधा। 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे से वापस साइड चेंज। पैरों में गैप उतना ही रखना, घुटना अपना अपना करेक्ट करो प्लीज। हाँ पैरों में गैप उतना ही, साइड चेंज। चलो 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 अपोजिट साइड, होल्ड। शोल्डर को दोनों एक लेवल पे होने चाहिए, जो शोल्डर है वो एक लेवल पे लाओ नीचे, जब जा डाउन जाओ ऊपर नीचे नहीं। होल्ड 10 9 8
सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। धीरे से सेंटर में आओ, पैरों में गैप ही रखो और इस तरीके से आ जाओ। होल्ड, पैरों को घुटनों को बैंड करो, हाथों को नीचे टच, फेस ऊपर। हाँ, होल्ड, थाई पे स्ट्रेच आएगा, फेस ऊपर रखना, बैक सीधी रखना। होल्ड, दोनों हाथों को नीचे लगाओ, फेस ऊपर, ये होल्ड। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर, फेस ऊपर रखो सिंह मां। थ्री टू वन, धीरे से वापस पैरों को लाओ पास में। हाँ, इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ और मुझे देखो। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पे आना है, ठीक है, आगे की तरफ ऐसे हाथों को रखना है और चाइल्ड पोज, ठीक है। आगे चिन लगानी है, कर सकते हैं सारे, बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगेगी। वापिस आना है, ये बालासन चाइल्ड पोज और पूरा आगे, हाथों की स्ट्रेंथ लगेगी, ठीक है। फाइव टाइम तो करना है ये, और इसके बाद यहीं से पर्वतासन, और पर्वतासन में, ठीक है, अपर बॉडी पूरी अप, स्ट्रेच आना चाहिए लोअर बैक पे, और यहीं से पर्वतासन वापस। ये करेंगे 10 टाइम, हाथों की स्ट्रेंथ लगेगी लेकिन बहुत अच्छा है पूरे बॉडी के लिए ये, ठीक है। सबसे पहले यहां आ जाओ चाइल्ड पोज में, बालासन में, ये और पूरा आगे, आ जाओ, करो करो करो, हर बार पूरा नीचे, फेस नीचे टच।